असले एक दिहाड़ी शनि नया लाया के जाऊंगी सोचा कि मैं उन्होंने तेरा डील करना ठीक है मीठा देखे देखा है आपने ससुर ने मैंने दिखाई थी। अच्छा। हाँ जी दिखाई थी आपकी ससुर को ना मैंने बन के। हाँ तुम मरे देखो बेपाल रहने सरे से नगे से ना हाँ, मैं करवा मैं YouTube फैमिली सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी मॉडल ने बारात पे जाना है तो मैं आज आप लोगों को पार्टी मेकअप दिखा रही हूँ कि ब्राइडल वलीमा मेहंदी बहुत कुछ मैंने आप लोगों को इस पे वीडियो बनाकर दिखा दी। और जो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सॉफ्ट पार्टी मेकअप है और मैंने अपनी फेस अपनी मॉडल के फेस पर कंसीलर लगा रही हूँ और कंसीलर जो है मैं वो मून टच का इस्तेमाल कर रही हूँ और कंसीलर की हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे। अब मैं अपनी जो कस्टमाइज फाउंडेशन है जो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ और मेरी जो बहनें हैं बार बार पूछती हैं कि आप ही आप हमें अपनी कस्टमाइज जो फाउंडेशन है वो बनाना सिखाएं तो मैं वो आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। वीडियो मेरी ही चैनल पर मौजूद है, आप उनका विज़िट करें तो आपको मिल जाएगी। और मैं रोज़ की ही रूटीन के साथ अपने प्यारे व्यूवर्स को ये बताऊंगी कि आप लोगों ने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग में आप लोगों ने जो ब्लेंडर है वो डैम ब्लेंडर रखना है और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ब्लेंडिंग करनी है। मेरा कोई इरादा नहीं था आज वीडियो बनाने का, मेरी मॉडल ने कहा बाजी आप ही मैंने बारात पर जाना है तो मेरे अपने रिलेटिव में से शादी है तो मैंने कहा चले भी हम वीडियो भी साथ बना लेते हैं और आपकी तैयारी भी कर लेते हैं। और मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को ये भी बता देती हूँ कि ऊपर देखें कि जो पार्टी मेकअप है वो हम किस तरह करते हैं। ये भी मेरी अपनी ही कस्टमाइज की हुई, मैंने काफ़ी मिनरल पाउडर्स को और कम्पैक्ट पाउडर्स को मिक्स करके मैंने अपनी कस्टमाइज ये फाउंडेशन बनाई है। मिनरल जो फाउंडेशन होती है इसको कहते हैं तो वो मैंने बनाई है और ये इसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये लगा चुकी हूँ और आप लोग देख चुके हैं। अब हम इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे और ब्लेंडिंग में जो हमने ये स्पंज रखना है वो डैम नहीं रखना, वो बिल्कुल खुश्क रखना है वरना अगर आप डैम ब्लेंडर के साथ इसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो ये अच्छी तरह जो है फाउंडेशन है ब्लेंड नहीं होगी। देखिए उसके बाद हम मैक वालों का है जो कम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे और मैं सर्दियों में कम्पैक्ट पाउडर ही लगाती हूँ और लूज़ पाउडर लगाती हूँ। और हमने जो ये कम्पैक्ट पाउडर है इसको हल्का हल्का सा टैपिंग के साथ ताकि हमारी जो बेस है वो स्टिक हो जाए ख़राब ना हो तो हमने इसको ऐसे दबा दबा के लगाना है। अब जो ये हाइलाइटर है ये क्रिस्टाइन का है और मैं ये बेस से पहले अपनी मॉडल की चिक्स पे और ग्लोई मेकअप कर रहे हैं आज हम तो हम पहले इसके फेस पे अच्छी तरह ये लगा लेंगे। अब ये मिस रोज की है ये कंटूर है तो हम इसे इसका पहले ब्लश ऑन कर लेंगे। आज हम इसको पहले ब्लश ऑन लगा रहे हैं और बाद में कंटूर करेंगे। जो मेरी बहन बिगनर्स हैं वो जिनको कंटूरिंग ज़्यादा नहीं पता चलता तो पहले वो ब्लश ऑन इस तरह लगा लें और बाद में कंटूरिंग कर लें। अब हम इसकी कंटूरिंग कर लेंगे, पहले हमने ब्लश ऑन लगाया व्यूअर, अब हम इसकी कंटूरिंग कर रहे हैं। कंटूरिंग हमने आज सॉफ्ट रखनी है क्योंकि हमारी जो है ये पार्टी मेकअप है, हैवी नहीं रखना हमने कंटूरिंग को। और ये जो हम हाइलाइटर ये ब्लश ऑन है शिमरी ब्लश ऑन है और ये मैं ले रही हूँ इनहेंस ब्यूटी का। लेकिन दिहाड़ी शनि लाया लाया के जाऊंगी सोचा तो मैं
ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ये आईब्रो जेल है और ये जो है मैं एमजी मराकी की लगा रही हूँ, इसे हम आईब्रो की जो है फिलिंग कर लेंगे। और ये जो आई बेस है ये भी मेरी अपनी ही कस्टमाइज है, आई बेस है। व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को वॉच तो कर लेते हो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जब तक आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वॉच किया करें। कोई मेरी बहनें कहती हैं आप ही हेयर स्टाइलिंग सिखाएंगे, जब मेरी वीडियो में पब्लिक आएगी, मेरी वीडियोस को लोग वॉच किया करेंगे, तब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हर एक चीज़ डिटेल से सिखाऊंगी। सिखा तो मैं अब भी रही हूँ, हर एक चीज़ अपने हर एक ट्रिक्स आप लोगों को दे रही हूँ। जब इंशाल्लाह ताला मैं देखूंगी तो फिर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में छोटी सी छोटी चीज़ भी अपने चैनल पर सिखाऊंगी, हेयर स्टाइलिंग भी सिखाऊंगी। पर अभी आप कुछ दिन मेकअप की क्लासेज अटेंड करें इंशाल्लाह ताला, फिर हम स्टाइलिंग की तरफ भी आएंगे। अब हम जो है एनहांस ब्यूटी का जो हाइलाइटर है उसे ब्रो बोन को हाइलाइट कर रहे हैं, बल्कि पूरी आईज की बेस ही हम इससे बना रहे हैं। अब हम जो क्रिस्टाइन की पायलट है उससे हमने डार्क ब्राउन कलर लेके इसकी क्रीज एरिया पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पार्टी मेकअप है आज भी हमने जो आईज है अपनी मॉडल की सॉफ्ट रखनी है, क्योंकि जो मेरी मॉडल है वो दूल्हे की गाड़ी भी मेरी मॉडल ही करवा रही है, तो ये जा रही है शादी पे, तो इसको हमने अच्छा अच्छा सा ग्लोई और सॉफ्ट मेकअप लुक देना है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद डार्क की तरफ जा रहे हैं। अब मज़ीद डार्क चॉकलेट से हम कॉर्नर बना लेंगे अपनी मॉडल की आईज अच्छी तरह, फिर हम उसको ब्लेंड कर लेंगे अपनी मॉडल की आईज पे ब्लैक कॉर्नर बना के अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, ताकि हमारी जो आईज हैं वो बड़ी नजर आए। देखा है आपने सोशल ने, मैंने दिखाई थी। हाँ जी, तुम्हारे तक बेपाल वाले सदैव चले गए। हाँ, एक वीडियो बनवाऊंगा। हाँ, ये मजाक समझती थी मैं, कहनी और बड़ में नहीं। जी, हमने जो है कॉपर कलर लगाया और कॉपर कलर लगा के हमने इसकी जो ऊपर से लाइनिंग है उसको अच्छी तरह हम ब्लेंड कर रहे हैं। ये जो हाइलाइटर लगा रही हूँ व्यूअर्स, ये मैं एमजे मराकी का लगा रही हूँ। आप लोग पूछते हो कि कौन सा हाइलाइटर, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के हाइलाइटर्स हैं, मैं उन पे भी आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से हाइलाइटर यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में। तो जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ वो एमजे मराकी का है।
और ये भी अच्छा है। तो व्यूअर्स, ये है मेरा सोफ पार्टी मेकअप, और ये भाभी भी है भाई के बारात के साथ जा रही हैं गाड़ी लेके। तो ये आप लोग जो बहनें अपने भाइयों की बारात पे जाती हैं तो वो ये मेकअप कर सकती है।